शासकीय भूमि पर कच्चा मकान बनाकर रह रहे लोगों ने पट्टा की मांग को लेकर जनदर्शन में पहुंचकर लगाई गुहार। ग्राम जरवाया वाटचार नगर पालिका निगम भिलाई चिरोदा में लगभग 35 वर्षों से शासकीय भूमि पर कच्चा मकान बनाकर सब परिवार निवास कर रहे ग्रामीणों ने शासन से पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सोमवार को जनदर्शन में पहुंची और गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि अभी तक अनुविभागीय द्वारा पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके कारण हमें शासन की मंशा अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में शामिल महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जरवाया से आए हैं, भिलाई तीन जरवाया से, हम लोग को पट्टा चाहिए। पट्टा के लिए आए हैं, घर है, पट्टा नहीं है। इंदिरा आवास आ रहे हैं, बोल रहे पट्टा नहीं है तो बनेंगे नहीं। तो पट्टा जरूरी है ना, सब छानी में, कोई सीट में, कोई कुछ अभी में रह रहा है तो पट्टा तो चाहिए ना घर बनाने के लिए। सरकार जब दे रही है पट्टा दे रही है, इंदिरा आवास दे रही है, तो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, है ना। इसीलिए आए हैं कि पट्टा चाहिए हम लोग को। तमाम महिलाएं इसलिए पहुंचे हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र के किनारे रहते हैं जरवाए में, और औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ इनके बस्ती है, और इनके बस्तियों में औद्योगिक क्षेत्र का जो प्रदूषण जा रहा है उस प्रदूषण से इनका जीना हराम है। धूल धक्कड़ और तमाम तरीके के जहरीले गैस भी उस इलाके में जा रहा है, जिसके कारण इनका जीवन बहुत दुभर है। उसी के साथ साथ ये लोग 500 साल से रहते आ रहे हैं, और पूरा एक इनका पीढ़ी गुजर रहा है, लेकिन आज तक इनको पट्टा नहीं मिला है। और पट्टे के लिए ये लोग आए हैं, इनको ना फिर प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल रहा है, ना सरकार की कोई तरह के का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये आए हैं कि हमको भी योजना का लाभ मिलना चाहिए और हमारा घर का जितना जल्दी हो सके हमको पट्टा मिलनी। आज ये बस कलेक्टर को दिए हैं जनदर्शन में, और उन्होंने कहा ठीक है 15 दिन के अंदर पट्टा बांटेंगे, लेकिन पता नहीं 15 दिन के अंदर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, देखते हैं। 15 दिन में अगर नहीं होता है फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।